जो लोग विवादों में हैं, जो अपनी बात कह रहे हैं, उन्होंने अपनी बात कह दी और मुझे लगता है कि अब तो ये मैंने इस पे पहले भी कुछ नहीं कहा, मैं इसलिए अभी भी इसलिए नहीं कुछ कहती क्योंकि मैं गाती हूँ गांव के लोकगीत। गांव के लोकगीतों में कभी मीटू होने नहीं पाता गांव में, काहे वहीं पर निपट लेती है। दही पड़क का दुई थप्पड़ लप्पड़ इनाई की 10 बरस में वही 4 ठो औरतों के संग वही बता देगी जाकर। देख ली बुझाई पप्पू के नाते नमके छेड़न रहा, अगले दिन उनकी मातारी वहीं पहुंच गई हिसाब किताब करने। तो वो गांव में बहुत एक खुलापन है, और खुलापन होने के कारण यदि किसी ने मान लीजिए कभी अशिष्टता करी या कुछ ऐसा है तो वहीं का वहीं पर उसी समय अपनी प्रतिक्रिया जरूर प्रकट करनी चाहिए। और ये ज़रूर है कि यदि किसी महिला के साथ, जैसा कि कुछ मामलों में देखा भी गया है कि कुछ पुरुषों ने उनके अबोध अवस्था में यदि अत्याचार किया और वो इतने समय बाद बोल रही हैं, और ऐसे भी मैंने मामले देखे कि ऐसे में कुछ पुरुषों ने क्षमा भी मांग ली 20-20 बरस बाद, तो इसका मतलब है कि कहीं पर यदि इस तरह की मुहिम से एक बड़ा संदेश ये जाता है कि पुरुषों को भी ये समझ में आए कि भाई आप सावधान रहें, तो किसी भी चीज़ से यदि लड़कियों की सुरक्षा और पुख्ता होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इन चीज़ों में ज़रूर ये ध्यान रखें कि आप 20 साल बाद यदि कोई कहानी कहने का निर्णय ले रहे हैं तो 20 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, उसके बच्चे हैं और परिवार हैं, तो इन बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।